सांप छुछुंदर की गति हो गई है सरकार की। जब तक सरकार वापस नहीं करेगी कोई विकल्प नहीं, हम लोग आंदोलन और तेज करेंगे। किसान के विरोध में जो भारत सरकार कानून बनाया है, जब तक वापस नहीं लेगा तब तक हमारा संघर्ष चलता रहेगा। किसान पर इतने जुल्म शाही हो रही है, काला कानून जो वो लगाए हैं वो वापस नहीं लेंगे जब तक हमारी संघर्ष जारी रहेगी और हम काला कानून को वापस कर ही रहेंगे। जय किसान आंदोलन के प्रदेश संयोजक हमारे साथ मौजूद हैं। किसान प्रदर्शन कर रही है, लगातार प्रदर्शन कर रही है, लेकिन सरकार अभी तक ठोस वार्ता इस मुद्दों पर नहीं कर रही। जी, ये हमको तो जैसा लगता है कि ये 18-19वां दिन है किसानों के प्रदर्शन का और ये सांप छुछुंदर की गति हो गई है सरकार की, चूँकि वो कॉरपोरेट के हाथों आज सुन रहे हैं आपकी हरियाणा में जो अडानी का गोडाउन बन रहा है उसके कुछ आप जैसे पत्रकारों ने दिखाया तो उसके ऊपर हमला कर दिया गया। वो अब कॉरपोरेट का पक्ष ले या किसानों का पक्ष ले, इसी द्वंद्व में मैंने फंसी हुई है सरकार। तो ये किंकर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति है सरकार के लिए, लेकिन किसान आरूढ़ है कि जब तक ये तीनों काले कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा हम लोग अपने संघर्ष को अनवरत जारी रखेंगे। क्या लगता है सरकार कानून को वापस करेगी? बिल्कुल करना ही पड़ेगा सरकार को वापस। जब तक सरकार वापस नहीं करेगी कोई विकल्प नहीं, हम लोग आंदोलन और तेज़ करेंगे। जैसा कि सब जान रहे हैं कि दिल्ली के चारों तरफ से घेराबंदी किसानों ने, खास करके इसमें पंजाब और हरियाणा के किसानों की बड़ी भूमिका है, वो बड़े भाई के रूप में है, लेकिन यह नहीं समझे हम लोग पूरे बिहार से लेकर पूरे देश के किसान जो है सो आज के दिन आंदोलित हो चुका है। और अब लोग गाँव जाकर के हम लोग भी धरना प्रदर्शन के माध्यम से लोगों को बताने का जो काम अब करने वाले हैं करेंगे, लगातार करेंगे। और सिर्फ जो महत्वपूर्ण सबसे मांग है कि आप MSP पर खरीदारी करिए, जो कि बिहार में बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। आज लोग धान 900 से 1000 रुपये पर क्विंटल बेचने पर मजबूर हो रहे हैं। भाई क्या हुआ, आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसे लागू तो करिए, उसे कानूनी दर्जा तो दीजिए। यह महत्वपूर्ण मांग हम लोगों को। विपक्ष कह रहे हैं कि इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ये लोग खामखा प्रदर्शन कर रहे हैं। अब विपक्ष जो कह रही है लगातार जो अनवरत जुमले की जो जुमलेबाज की जो सरकार है जो लगातार जुमला बोल दे रहते हैं, विपक्ष वाले आकर सामने तो आए, बताए तो सही कि बिहार में वो कैसे क्विंटल धान की खरीदारी कर रहे हैं। मक्का तो आप देख रहे हैं कि 700-800 क्विंटल बिक रहा है, धान की बिक्री जो है आज भी किसान जो है 900 से 1000 रुपये क्विंटल के हिसाब से बेच रहे हैं। फिर कैसे बोले, बेशर्म लोग हैं वो लोग, सत्ताधारी जो है बिल्कुल निर्लज्ज है, बेशर्म है, उनके पास कोई लाज शर्म नाम का कोई चीज़ है नहीं। किसान संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष जलंधर जगवंशी हमारे बीच है। सरकार अभी तक मांग पूरी क्यों नहीं कर रही? आप सरकार इसलिए मांग पूरी नहीं कर रही कि ये सरकार पहले से तय है, ये संघ परिवार है, संघ से भाजपा बना है, ये पूंजीपतियों की पार्टी ही है, इसकी जन्म ही पूंजीपतियों के घर में हुआ। जो पूंजीपति के घर में जिसका जन्म होगा वो गरीबों की बात कैसे करेगा? किसान मजदूर तो गरीब होता है, खेत में काम करता है, ठंडे में भी काम करता है, बरसात में काम करता है, वो जो उत्पाद लाता है उस पर ही उसकी सारी निगाहें बैठ गई है कब इनको ही नोच करके खा जाए। इतना दिनों से तो खा ही रहा था नोच करके, हम जस के तस ही है, अब और भी खाने के लग गया कि पहले तो सरकार के बीच में भी था जो हम सरकार से लड़ झगड़ करके भी कुछ हम बात रख लेते थे, सरकार हमारी बात भी कुछ मान लेते थे, अब ये सबसे पन्ना झाड़ लिया। और ये लॉकडाउन पूरे देश में, सरकार पूरे देश में ही लॉकडाउन नहीं है, दुनिया के बहुत सारे देशों में लॉकडाउन हो गया था, लोगों को घर से निकलना बंद हो गया था, अघोषित कर्फ्यू लागू हुआ था। ऐसी परिस्थिति में एक तरफ अघोषित कर्फ्यू लागू करता है पूरे देश में, एक तरफ किसानों के विरुद्ध ये कानून लाता है सदन में, ये सदन में लाता है, किसी को कोई पता नहीं है, न किसान प्रतिनिधि के पता है, न किसान को, किसान तो मूर्ख होता है, उनको भी पता नहीं है। चुपके इन्होंने कानून बनाया, जो तीन कानून की बात हम रद्द करने की बात करते हैं वो मेरे गले की हड्डी है, वो फांसी की फंदा है मेरे लिए कि हम कतई हम मरना कबूल करते हैं लेकिन इस फंदे में फंसना नहीं कबूल करते। तो इसलिए क्योंकि चहेते हैं पूंजीपतियों के, अडानी के, अवानी के, तो हमारी बात कैसे मानेंगे? तो उनके फंडिंग लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं, उनके फंडिंग लेकर के पूरे देश में राज करना चाह रहे हैं, उनके फंडिंग से ही मंदिर बनाना चाह रहे हैं, तो हमारी बात तो करेंगे? इसलिए हमारी बात तो नहीं कर रहे हैं और हमको दिग्भ्रमित कर रहे हैं।
अभी तो देखे ही इन्होंने कि गांव-गांव से फिर मंदिर की चर्चा, जब मंदिर कानून ऑर्डर दे दिया, सरकार बनाने की बात कह दी तो फिर गांव-गांव में चंदा तसीलना शुरू कर दिया। देखे ना अखबारों वगैरह में फंडिंग के लिए कर रहा है। विपक्ष कह रही है कि इन लोगों को कोई मुद्दा मिल नहीं रहा, इसलिए लोगों को परेशान करने की बात कर रहे हैं। इससे बड़ी मुद्दा क्या हो सकता है, जिसकी जिंदगी इस देश का किसानों का देश है। दुनिया कहता है कि भारत किसानों का देश है, सोने की चिड़िया है, कि सोना से लेकर के और अन्न तक ले, सामा कौनी तक ले ही इस धरती से पैदा होता। दुनिया में ऐसी धरती कहीं नहीं है जितना पर सारे चीज़ पैदा होता हो। इस धरती पर इतनी चीज़ें पैदा होता है और वही धरती है जिस आप इतिहास देखे होंगे कि इस धरती के पर पैदा होकर के रूस, अमेरिका, जापान, आज बहुत सारे देशों में हमारे लोग हैं, हमारे समर्थन में ब्रिटेन में लोग बैठे हुए हैं, अमेरिका में मेरे समर्थन में लोग बैठे हुए हैं और इनको कान तक जू नहीं है। जो न आदमी किसान विरोधी रहा, जहाँ किसानों की संख्या बहुत कम है ब्रिटेनों में, अमेरिका में, कल तक तो ब्रिटेन हमको लूट ही रहा था ना, लुटिया कर गया है, आज वहाँ भी मेरे समर्थन में मेरे लोग अनशन पर बैठे हुए हैं, धरना पर बैठे हुए हैं और ये हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। कि नव सामंतवाद है, ये अडानी और वानी के नव नया उदय हुआ है, ये नव सामंतवाद है, उसमें हम लोग कहीं नहीं, जनता कहीं नहीं है, किसान कहीं नहीं। अगला कदम क्या हो? अगला कदम यदि नहीं मानेंगे तो लड़ाई कहते अभी आगार है, अंतिम लड़ाई तक ले हम लोग मरने के लिए भी तैयारी है। काम तो सुने होंगे पंजाब के बोर्डों पर 87 बरस के लोग, 88 बरस को 90 बरस के लोग वो बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, कहते या तो मैं मर कर जाऊंगा या जीत कर जाऊंगा। तो हमारा भी लड़ाई उसी आगाज पर है, यदि नहीं मानेंगे तो अगला कदम हमारा होगा कि हम समाहरणालय को घेरेंगे, प्रखंड कार्यालयों को घेर देंगे, सरकार को गोली चलाना होगा चला देगा, और फिर NH और हाईवे को भी जाम कर देंगे, क्योंकि सारे तरफ से हमारी तैयारी भी चल रहा है कि हम सारे तरफ से नाकेबंदी करके सरकार को हम घेर लेंगे। मजबूर होकर सरकार को हमारी बात को मानना पड़ेगा या संसद छोड़ कर जाना पड़ेगा। संयुक्त किसान संघर्ष समन्वय समिति के ये जिला कार्यकारिणी सदस्य हमारे बीच हैं जी, नाम बताइए। मेरा नाम है हाजी मोहम्मद सदीक अंसारी। क्या मांग कर रहे हैं आप इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से? धरना प्रदर्शन के माध्यम से मांग कर रहे हैं, जो हम लोगों किसान के विरोध में जो भारत सरकार कानून बनाया है, जब तक वापस नहीं लेगा तब तक ही हमारा संघर्ष चलता रहेगा। हमारे 15-16 किसान साथी दिल्ली में शहीद हो गए हैं, फिर भी ये सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उसके विरोध में किसान के सहयोग में हम भी किसान से आते हैं। इसलिए जब तक ये मांग को पूरा नहीं करेगा, ये काला कानून वापस नहीं लेगा, तब तक इस संघर्ष को हम लोग तेज करते रहेंगे, यहाँ से गांव तक ले जाएंगे, अंचल तक ले जाएंगे, शाखा तक ले जाएंगे। क्या लगता है सरकार मांग को वापस लेगी? सरकार तो मजबूर हुआ है बहुत हद तक, लेकिन अभी उसमें अब कितना रोज लगेगा, अभी कार्यक्रम बढ़ रहा है, भूख हड़ताल, धरना प्रदर्शन के द्वारा, अब इससे भी नहीं सुनेगा, इसका दूसरा भी रूप अख्तियार हो सकता है। नाम बताइए। हमारी सुशीला देवी। आप भी पार्टी कार्यकारिणी सदस्य हैं? हम महिला संघ समिति का सदस्य। महिला समिति सदस्य जी, क्या मांग रखते हैं आप अपनी? हम लोग किसान मोर्चा का, जो किसान की बातों के लेके हम लोग जो किसान पर इतने जुल्म शाही हो रही है, काला कानून जो वो लगाए हैं वो वापस नहीं लेंगे जब तक हमारी संघर्ष जारी रहेगी और हम काला कानून को वापस कर ही रहेंगे। सरकार इस पर ठोस अभी कदम नहीं उठा रही है, कोई सुन नहीं। लेकिन उससे सुनना होगा और उठाना होगा, हम उठवाएंगे, हम बख्शेंगे नहीं।